Hello everyone, I am your host Namish and welcome back to another episode of Galpa Shot. Guys, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है जो कि मैंने अभी तक नहीं करी. तो दोस्तों, आज की वीडियो अमेजिंग और धमाल इसलिए मचने वाला है इस वीडियो में कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक पर्टिकुलर ब्रांड से, एक पर्टिकुलर फ्लेवर से कैसे दो फ्लेवर डेवलप कर सकते हो. जी हाँ दोस्तों, कैसे आप दो फ्लेवर डेवलप कर सकते हो. तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. अब आते हैं लास्ट वीडियो पे जो मैंने बोला था कि मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है, उस वीडियो में जो सबसे अमेजिंग कमेंट आया था उसको मैं पिनअप करूंगा और इस वीडियो में शाउट आउट के लिए उसका नाम लूंगा. तो लास्ट वीडियो में जो सबसे अमेजिंग कमेंट था वो था अनिल जी का एंड सीताराम जी का. सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग अस. तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे आप एक फ्लेवर से दो फ्लेवर बना सकते हैं. ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ घर में ही ये सारी चीज़ें आपके अवेलेबल होंगी, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है. तो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं एक वोडका से दो फ्लेवर. तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कैसे एक फ्लेवर से आप बना सकते हैं दो फ्लेवर. उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक स्टील की ट्रे, दालचीनी, एक क्रिस्टल क्लियर ग्लास, ओके, लाइटर. तो अब मैं क्या करने लगा हूं आप देखिए, सबसे पहले इसको दालचीनी जो है इसको मैं जलाने लगा हूं. ये दालचीनी जलने लगी है. अच्छे से इसको जला लीजिए. अभी जो दालचीनी का जितना भी फ्लेवर है एक्चुअली में वो सारा जो स्मोक है, ये एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं स्मोकी वोडका. इसमें एक्चुअली में जितना एरोमा है वो सारा इसमें जा रहा है और अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे. अब हम क्या करते हैं, आपको इसके लिए क्या चाहिए, स्प्राइट, वोडका, कुछ लेमन. तो अब मैं इसको हटाने लगा हूं. इसको हटा करके अब मैं इसमें डालूंगा. अब हम लेंगे 60 ml ऑफ वोडका. कैप को स्लाइड पर लगा दीजिए. सिक्सटी एम एल वॉट का लगाने के बाद कुछ देर के लिए इसको ढक देते हैं. इससे क्या होगा, जो इसके फ्यूम्स हैं, जो इसका एरोमा है वो थोड़ी देर अंदर ही रहेगा. जब ये अंदर रहेगा तो आपको, जब आप इसको सिप करके पियेंगे तो आपको इसका फील एक्चुअली में आएगा. अब मैं क्या करूंगा, ये बॉटल रखी साइड में, आप खोलते हैं ये स्प्राइट. खोली ये हल्का जो धुआं निकल रहा है ये इसमें डाल दिया. फिर इसको ढक देते हैं. अब जब आप इसको दोबारा ढक देंगे, ढकने के बाद थोड़ा सा आइस मुझे कम लग रहा है तो एक दो और डाल देते हैं. एक बहुत ही स्मूदिंग और बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है. अब इसको मैं हटाऊंगा, कोस्टर को हटा दिया. थोड़ा सा और डिफरेंट करने के लिए जो एक स्लाइस है मैंने काटा हुआ है इसको करेंगे अंदर डिप पूरा.
आपका ये वोडका बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेमन का एक जो पीस काट के मैंने डाला था वो मेक श्योर वो नीचे ही रहे। ये देखिए ये नीचे की ही है और बहुत ही अमेजिंग, ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग एरोमा आ रहा है इसमें। तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। अब आते हैं मेरे दूसरे कॉकटेल ड्रिंक की तरफ। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास हम लेंगे। ग्लास लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ढेर सी आइस डालते हैं पहले इसमें। तो ग्लास आपने पूरा टॉप अप कर लिया है। टॉप अप करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 60 ml ऑफ वोडका। पूरा सूरा लगता है बचा हुआ था 60 ml ऑफ वोडका, ये हमने इसमें पोर कर लिया। अब इसमें स्क्वीज करेंगे लेमन। स्क्वीज करने के बाद मीठा आपकी विश है, अगर आप इसमें शुगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बहुत ही कम, प्रिसाइजली अगर आप हाफ टीस्पून शुगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैं एडवाइस करता हूं कि मत डालिएगा क्योंकि आपका जो मीठे का काम है वो ऑलरेडी ये कर रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे स्प्राइट। स्प्राइट डालने के बाद अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल सा बना दिया आपने, इसमें कुछ नया क्या है, कि मार्केट में ईटेबल कलर्स बहुत इजीली अवेलेबल है। तो मैं ये लेके आया हूँ छोटा सा एक ईटेबल कलर है, इसको आप डाल के इस ड्रिंक का पूरा शक्ल ही बदल देंगे। मैं इसे बहुत हल्का सा डालता हूँ, ईजिली किसी भी किराने शॉप पे या किसी भी शॉप पे ये ईटेबल कलर्स मिल जाते हैं आपको। और इसके बाद हम इसको हिलाएंगे। ये हिलाने के बाद कलर थोड़ा सा ऑरेंज है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं। मैं एक बार थोड़ा डार्क करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी कितना डार्क हो जाता है ये। इसको गो ब्लड रेड जैसा हो जाना चाहिए इसको। लेमन स्क्वीज कर दिया है और जो लेमन के जो कुछ स्लाइस रखे थे मैंने वो मैं इसमें डिप कर रहा हूँ। पूरा इसके जो क्रम्स हैं वो आएंगे इसमें और ये पूरा इसमें मैंने डिप कर दिया है। तो दोस्तों दोनों ड्रिंक्स मेरे सामने हैं, अब मैं इनको करने लगा हूँ टेस्ट। जी हाँ, टेस्ट करूँगा और बताऊँगा आपको कि कौन सी नंबर वन है, कौन सी रनर अप है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसको, दालचीनी वाली को, देखते हैं कैसे इसका। लेकिन मैं टेस्ट करने से पहले आपको बताऊं, इसका जो एरोमा है, इसकी जो खुशबू है, मुझे अभी भी फील हो रही है। तो देखते हैं कैसे इसके एक्चुअली में टेस्ट बड्स, क्या इसने ओवरकम करा है इसके एक्चुअल फ्लेवर को। सॉलिड है बॉस, सॉलिड, अमेजिंग। R&D करी और बिंदास, क्या अमेजिंग टेस्ट है। मुझे लगता है ये फर्स्ट है, बस मैं बता रहा हूं आपको। अब ट्राई करते हैं इसके, इसमें डाला है आर्टिफिशियल ईटेबल कलर और लेमन मैंने स्क्वीज करा है इसमें। अब ट्राई करता हूं इस फ्लेवर्ड वन को, आई डाउट इसको पिछाड़ना मुश्किल है इसके लिए। प्योर लेमन। इसमें जो टेस्ट बड्स हैं क्लियर लग रहा है आप पूरा लेमन का पी रहे हो, और इसमें जो है दालचीनी का, हालांकि मैंने इसमें भी लेमन डाला हुआ है, मगर
जो हमने एक नया आविष्कार काइंड ऑफ कह लो जो कुछ करा था, R&D मारी थी, वो कामयाब हो गई। और इसके जो फ्यूम्स हैं, जो इसके जिसका जो एरोमा है, वो मुझे अभी भी आ रहा है। सो इन दोनों में से फर्स्ट तो ये आ गई, डनर अप इसको बना देते हैं। तो दोनों अपनी जगह सही हैं, बट अगर मेरी पर्सनल एडवाइस है तो नंबर वन। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।